दरबार में बिगड़ी किस्मत बनाई जाती है, टूटा दिल जोड़ा जाता है।
तू सर क्यों पूट रही है? जिसकी जिंदगी का कोई सहारा ना हो, जिस पर उम्मीद के हर दरवाजा बंद हो जाए, वो सर ना कूटे तो क्या करे? तो क्या उसकी रहमत का दरवाजा भी बंद हो गया है? सब्र से काम लो बेटी, सब्र से काम लो। एक मजबूर औरत सब्र के सिवा और कर ही क्या सकती है मौलवी साहब? औरत क्या कर सकती है? इधर आओ, मैं तुझे बताता हूं। आओ बैठो। सुनो बेटी, बहुत दिन हुए दरियाए नील के किनारे खाकान आजम की हुकूमत थी। उसकी होशियारी, इंसाफ पसंदी, दौलत और ताकत का डंका दूर दूर तक बजता था। वो हुकूमत और रियाया की हर गुत्थी मजहब के नाखून से खोलता था। लेकिन बेटी के मामले में उसका उसूल कुछ और था। वो कहता था कि बेटी एक ऐसा दाग है जिसको मिटाने के लिए दामन जला देना चाहिए। कुदरत का खेल देखो, उसके यहां पै दर पै चार लड़कियां हुई जिनका गला उसने पालने में ही घोंट दिया और ऐलान कर दिया कि अगर अब की बार लड़की पैदा हुई तो मलका भी खत्म कर दी जाएगी। खाकाने आजम, अगर बेटी लानत होती तो खुदा पैगंबरों और इमामों के घर बेटी पैदा न करते। आप तो जानते हैं कि रसूल मकबूल अपनी नूर नजर को किस कदर अजीज रखते थे। और कुछ भी हो काजी साहब, शाही महल पर बरात नहीं आ सकती। खाकान का सर किसी के आगे नहीं झुक सकता। हम उस कुक जला देंगे जो सिर्फ लड़कियां पैदा करती है। किसी तरह मेरी और इस मासूम बच्चे की जान बचाओ। हौसला रखिए मलका साहबा, जिसने गोद भरी है वो हिफाजत भी करेगा। आलम पना को वली है, दोबारा को वली है। खुदा की शुक्र। मलके आलम को वलीहद मुबारक। लीजिए, खुदा ने आपकी जिद और मेरी लाज रख ली। मुबारक हो आलम पना। इस फितने को किसी मोतबर सिपाही के हवाले कर दो और कहो कि सरहद के बाहर ले जाकर इसे दफन कर दे। वलीहद की पैदाइश की खुशी में शाही खजाने का मुंह खोल दो, सारे शहर और महल को दुल्हन की तरह सजा दो। Thank you.
चराज कराया था तो इसे आंधियों से बचाना। आलम आ रहा बेटी। बाबा, आप ये रोज क्या करते हैं? इबादत करता हूँ बेटी। क्यों? तू रोज मुँह हाथ क्यों धोती है? इसलिए कि मुँह और हाथ साफ हो जाए। इसीलिए सब नमाज पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं। जिस तरह पानी बदन पर जमा हुआ मैल साफ कर देता है, उसी तरह नमाज आदमी के अंदर का मैल दूर कर देती है। दिल रोशन हो जाता है, नियत पाक हो जाती है। तब तो मैं भी नमाज पढ़ा करूंगी बाबा, लेकिन रोजा नहीं रखूंगी। क्यों? रोजे में आपकी तरह मुझे भी फाका करना पड़ेगा। शरीर लड़की छोड़िए ना, बड़ा दर्द होता है। झूठ, तुझे दर्द वर्द कहीं नहीं होता। आपको क्या मालूम, कोई आपके कान खींचे तो मालूम पड़ेगा कि दर्द कैसे होता है। तो जब तक मुझे तकलीफ न हो, मैं तेरा दर्द नहीं समझ सकता। हरगिज नहीं। तो इसी बात से समझ ले बेटी, अगर तू रोजा नहीं रखेगी तो तुझे गरीबों की भूख प्यास का अंदाजा कैसे होगा? खुदा की दी हुई नेमतों की कदर कैसे मालूम होगी? जो लोग रोजा रखते हैं, दिन दिन भर भूखे प्यासे रहते हैं, वही समझ सकते हैं कि उन गरीबों पर क्या गुजरती होगी। जो दाने दाने को तरसते रहते हैं, जिनके बच्चे रोटी मांगते मांगते सो जाते हैं। तब तो रोजा जरूर रखना चाहिए बाबा। जरूर बेटी जरूर। सारे अच्छे लोग अपने अपने ढंग से खुदा को याद करते हैं, कोई कलीसा में, कोई मंदिर में, कोई मस्जिद में, मतलब सबका एक ही है, उस खुदा की याद जिसका सूरज हमें गर्मी और चांद हमें ठंडक पहुंचाता है, जिसने हमारे कदमों के नीचे जमीन का फर्श बिछाया और सर पे आसमान का शामियाना ताना है। काजी साहब, शहजादा दाराब की बिस्मिल्ला कराइए। जो हुक्म आलम फना,
बोलो बेटा। बिस्मिल्लाह फिर रहमा निर्रहीम। बोलो बोलो। बाहर रखो। बोलिए शहजादे। बोलो बेटा, पढ़ने में क्या शर्म है? बोलो बोलो। बिस्मिल्लाह। अरे अरे आलमपना, अभी शहजादे की उम्र ही क्या है, बच्चा है, धीरे धीरे सब समझ जाएगा। क्यों मलकाया लिया? बाबा हाँ बेटी, अब कहो क्या बात है? मेरी रोटी कहाँ है? वो मैंने एक भूखे को दे दी। अब मैं क्या खाऊं? अल्लाह और देगा बेटी। बेटी, जो लोग खुद तकलीफ उठाकर दूसरों की मदद करते हैं, उनकी मदद खुदा करता है। और जो लोग सब कुछ होते हुए भी दूसरों की मदद नहीं करते, उनसे तो खुदा की रहमत भी मुंह फेर लेती है। तूने कारून की कहानी सुनी है बेटी? नहीं। अच्छा तो मैं तुझे सुनाता हूँ। किसी जमाने में कारून नाम का एक बहुत बड़ा दौलतमंद आदमी था। उसके खजाने की चाबियां 40 घोड़ों पर लादी जाती थी। अच्छा? हाँ, लेकिन बेटी वो था बड़ा कंजूस। अपनी दौलत में से ना किसी को खराज देता और ना किसी की मदद करता। एक दिन जमीन को बहुत गुस्सा आया और वो कारून को, उसकी हवेली को, उसकी सारी दौलत और जायदाद को, खजाने को निगल गई। कारून ने लाख तौबा की, सर पटका, माफी मांगी, लेकिन खुदा ने उसकी तौबा कबूल नहीं की। तौबा तो तौबा, ऐसे आदमियों की इबादत भी खुदा कबूल नहीं करता जो दूसरों के वक्त पर काम नहीं आते, जो गरीबों मोहताजों की मदद नहीं करते। तौबा तौबा, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी बाबा। शाबाश, तू तो मेरी बहुत अच्छी बेटी है। और बाबा, आप ये रोज कुरान शरीफ क्यों पढ़ते हैं? बेटी, ये खुदा का कलाम है। इसमें इंसानों की हिदायत के लिए बड़ी अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई हैं। इसके पढ़ने से हमें मालूम होता है कि हमारा पैदा करने वाला, हमें पालने वाला वो खुदा है, वो अल्लाह है, जिसने हर जमाने में, हर मुल्क में, जब जब इंसान भलाई के रास्तों से भटक गए तो उनको सीधा रास्ता बताने के लिए अपने नेक बंदे भेजे हैं, जिनको हम खुदा का रसूल कहते हैं। हमारे रसूल मकबूल ने भी कुरान शरीफ के जरिए हमें भलाई का रास्ता बताया है। इन सब बातों को जानने के लिए हम रोजाना कुरान शरीफ की तलावत करते हैं, ताकि हम अपने खुदा और रसूल के बताए हुए सबक को भूल ना जाएं। अगर हम सबक भूल जाएं तो हमें भी सजा मिलेगी ना बाबा? हाँ बेटी। तब तो मैं भी कुरान शरीफ रोज पढ़ा करूंगी। शाबाश शाबाश शाबाश। हाँ, अब समझ गया ना शहजादे? अब अपनी उल्टी आंख बंद करके उसकी सीधी आंख की तरफ निशाना बांधो। ओ, मेरी आंख पे नहीं, उसकी आंख पे। शाबाश। लो, हाथ के हाथ में ही रह गया। फिर पकड़ो और तीर को सीधा तो कर लो। क्या कर रही है मेरी गुड़िया? मैं नमाज पढ़ने के लिए मुंह हाथ धो रही हूँ बाबा। मुंह हाथ तो सभी धोते हैं बेटी, लेकिन नमाज पढ़ने के लिए मुंह हाथ, नाक, कान और पैर जिस तरह धोते और साफ किए जाते हैं, उसे वजू कहते हैं, वजू। और ये वजू हम उस तरह करते हैं जैसे कि हमारे प्यारे रसूल किया करते थे। क्या हम नमाज भी उसी तरह पढ़ते हैं जैसे कि हमारे प्यारे रसूल पढ़ा करते थे? हाँ बेटी हाँ। अल्लाह की इबादत करने के सारे तरीके हमने उन्हीं से सीखे हैं। बाबा, क्या हमें हर वक्त खुदा की इबादत करना चाहिए? क्या बच्चों के खेलने से खुदा नाराज हो जाता है? नहीं बेटी नहीं, बच्चों के खेलने से खुदा नाराज नहीं होता। अल्लाह की खुशी के लिए और उसका हुक्म मानते हुए हम जो कुछ भी करते हैं वो इबादत है। इस तरह हमारा उठना बैठना, सोना जागना, खाना पीना सभी इबादत है। ये तो बड़ी अच्छी बात बताई बाबा आपने। हमारा खेलना भी इबादत है तो हम अच्छे अच्छे खेल खेल कर अपने अल्लाह को खुश कर लेंगे। शरीर कहीं की, शरीर कहीं की। अरे बाबा आप बाबा आप देखिए शहजादे, ये बहुत बड़ा खूंखार जानवर है और आपके ऊपर हमला करना चाहता है।
अब आप अपना तीर कमान संभालिए और एक ही बार में इसका पूरा काम कर दीजिए। खेज के मारिए। गुलाम की जान बख्शी हो, शहजादे से निशाना खत्म हो गया। आलम पना, कुदरत खतरे से पहले ही इंसान को होशियार कर देती है। आलम पना, निशाना तो बड़े बड़ों का चूक जाता है, शहजादा दाराब तो अभी कम सिन है। ठीक है, आलम आरा। जी बाबा। आओ बेटी, मैदान में जाके रमजान शरीफ का मुबारक चांद देखें। हाँ तो आज मेरी बेटी ने अपने लिए दुआ में खुदा से क्या क्या मांगा? अपने लिए कुछ नहीं मांगा बाबा। क्यों? अपने लिए कुछ मांगना एक तरह की शिकायत है। उचित हाल में रखे, बंदों को खुश रहना चाहिए। फिर किसके लिए दुआ की मेरी बेटी? इस जमीन की हरियाली के लिए बाबा। ये जगह इतनी उजाड़ क्यों है? कुओं में पानी नहीं, बाहों में फल फूल नहीं, खेतियां सूखी पड़ी हैं, दूर दूर कहीं पानी और सब्जी का पता नहीं। ये इस मुल्क की जालिम मलिका सूफिया के गुनाहों का असर है बेटी। इस वक्त कैसे आना हुआ काली साहब? क्या मलिका सूफिया रमजान का मुबारक चांद देखने तशरीफ नहीं ले चलेंगे? आप ही देखा है ना, हम तो सिर्फ ईद का चांद देखना पसंद करते हैं। खुदा के कहर से डरिए मलिका सूफिया, आपकी वजह से कहीं लाखों बेगुनाह अजाब की लपेट में ना आ जाए। हम अजाब से ज्यादा रोजे से डरते हैं। ऐसी इबादत किस काम की कि हम महीने भर खुदा की नेमतों से महरूम रहे? अगर जिंदगी भर के लिए उसकी नेमतों से महरूम होना पड़े तो क्या कीजिएगा? खजाना भरा हो तो बड़े से बड़ी नेमत खरीदी जा सकती है। आप तशरीफ ले जा सकते हैं। बहुत अच्छा। खुदा नजरे बद से बचाए, ये चेहरा किस चांद से कम है। काजी साहब को क्या मालूम कि ये नजरे रमजान का चांद देखने के लिए नहीं, शाह मंसूर के दीदार को तरस रही है। शादी के फैसले के बारे में शाह मंसूर ने क्या सोचा है? वजीरे सल्तनत, हमने मलिका सूफिया के बारे में बहुत बुरी खबरें सुनी। हम हालात को मालूम किए बगैर, बल्कि अपनी आंखों से देखे बगैर शादी के बारे में कोई फैसला नहीं कर सकते। हुजूर, इसमें देखने भालने की क्या जरूरत है? गरीबों की तरह बादशाहों की एक बीवी तो होती नहीं, और अगर दो चार में से एक बुरी भी निकल आई तो क्या फर्क पड़ता है? आप शादी तो कर ही डालिए। हमको एक ही शादी करना है लोबना। बस एक ही? हाँ, एक ही। और मलिका के पैगाम का क्या जवाब दिया जाए? जहां पना कहला दो कि यह इबादत का महीना है, शादी के बारे में हम ईद के महीने में गौर करेंगे। जो हुक्म आरम पना। बाबा वो देखिए चांद नजर आया। कहाँ है बेटी? वो बादल का टुकड़ा है ना, उसके नीचे। हाँ हाँ बेटी। आलम पना, चांद नजर नहीं आ रहा है। वो रहा चांद। कहाँ? अब्बा जान, वो रहा। ठीक से देखिए, दरख्त के ऊपर, सितारे के नीचे। देखिए देखिए। देख रहा हूँ लेकिन नजर नहीं आ रहा है। आलम पना, माशाल्लाह, अब शहजादे पर रोजा फर्ज हो गया है। बेशक काजी साहब, इंशाल्लाह कल ही से ये पहला रोजा रखेंगे। या लमिया, अल्लाह मियां, अब्बा हुजूर, मेरे पेट में कल से बड़ा दर्द है। या अल्लाह, रोजा रखने से दर्द जाता रहेगा बेटे। काजी साहब, वली अहद के सामने रोजे की बरकतें बयान कीजिए। आलम पना, मेरी जबान में इतनी ताकत कहाँ कि मैं रोजे की बरकतें बयान कर सकूं।
एक छोटी सी मिसाल पेश करता हूँ मुलाहे साहब। इरशाद। सुनो रमजान की दास्तां को सुनो, रहमतों का बयां है बयां को सुनो, रहमतों का बयां है बयां को सुनो। लड़का था एक शहर में जो हुस्न बेमिसाल, कम सिन था जिसकी उम्र थी समझो के 7 साल। रमजान के जो चांद पे उसकी नजर पड़ी, उसके भी दिल में रोजे की एक आरजू जगी। रोजा रखूंगा मैं भी ये माँ बाप से कहा, सहरी करूंगा मैं भी जगा देना तुम जरा। सुनो रमजान की दास्तां को सुनो, रहमतों का बयां है बयां को सुनो, रहमतों का बयां है बयां को सुनो। लड़के की बात सुन ली मगर कुछ नहीं कहा, लड़का सुबह उठा तो हुआ उनसे वो खफा। समझाया माँ ने बाप ने ऐ मेरे गुलसितां, रोजा नहीं है फर्ज अभी तुझ पे मेरी जान। नन्ने से दिल को बात का सदमा बड़ा हुआ, माँ से कहा कुरान में कहता है ये खुदा। रोजे की भूख प्यास जो हस्ती उठाएगी, उस रोजेदार को न ये दोजख जलाएगी। कुरान जिसमें उतरा सुनो वो महीना है, तौबा कबूल करता खुदा वो महीना है। सुनो रमजान की दास्तां को सुनो, रहमतों का बयां है बयां को सुनो, रहमतों का बयां है बयां को सुनो। आई जो सर पे रात तो वो जागता रहा, सहरी भी कर ली चुपके से खुश हो के सो गया। उठा सुबह तो माँ से कहा सारा माजरा, माँ ने बड़े ही प्यार से फिर उससे ये कहा। रोजा न रख सकेगा ये जिद छोड़ मान जा, दे दूंगी अपना रोजा तुझे मेरे दिल रुबा। तोड़ूंगा मैं न रोजा कभी कुछ न खाऊंगा, आखिर खुदा को किस तरह ये मुंह दिखाऊंगा। माँ ने कहा कि भूख लगी होगी लाडले, गर्मी है तुझको प्यास लगी होगी लाडले। कहने लगा कि चाहे जमीन पर हो आफताब, पानी का एक कतरा भी पीना बड़ा अजाब। सुनो रमजान की दास्तां को सुनो, रहमतों का बयां है बयां को सुनो, रहमतों का बयां है बयां को सुनो। अल-मुख्तसर जोहर जो गई आ गई असर, वो प्यास जान ले गई पथरा गई नजर। माँ ने कहा कि हाय मेरा लाल चल दिया, इफ्तारी जो बनाई थी वो भी न खा सका। रोजे का वक्त हो गया लेकिन कहाँ है वो, अब तो खुदा की राह में आखिर रवा है वो। इतने में एक फकीर ने आकर ये भी सदा, मैं भी हूँ रोजेदार के ले लो मेरी दुआ। जो कुछ भी पास हो मुझे खाना खिलाइए, मातम ये कैसा है जरा इतना बताइए। आंखों से आंसुओं का जनाजा गुजर गया, माँ बाप दोनों बोल के बच्चा ही मर गया। बोला फकीर मुझको खुदारा बताओ तुम, लाशा कहाँ है बेटे का मुझको दिखाओ तुम। साहिल ने लाश देख के क्या जाने क्या पढ़ा, मुर्दे के दिल पे हाथ रखा और भी सदा। मासूम रोजेदार के अब रोजा खोल तू, कब तक यू चुप रहेगा जरा मुंह से बोल तू। इतना ही सुन के बच्चे ने फिर आंख खोल दी, माँ ममता की मारती उससे लिपट गई। साहिल नहीं था वो था फरिश्ता खुदा का था, बच्चे को जिंदा करके जो रूपोश हो गया।
आती है इम्तिहान के इंसान पे घड़ी, अल्लाह पे जान दे दे वो मरता नहीं कभी, मरता नहीं कभी, मरता नहीं कभी, मरता नहीं कभी। مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبول فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ثم أعطينا موسى الكتاب تماماً على الذي أحسن وتفصيلاً لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون بیٹی یہ سحری کھا کے پانی پی لے میں نے روزے کی نیت باندھ لی ہے بابا اللہ تیرا روزہ قبول کرے अरे वक्त गुजर जाएगा तो गुजर जाने दो मेरी जान, अल्लाह हमें माफ कर देगा, तुम हमारे आगोश ना और हमें सोने दो। हुजूर होश में आइए, सेहरी करके रोजे की नियत तो बांध लीजिए। अरे ठीक है मेरी जान, सेहरी हम खाएंगे और रोजे की नियत तुम बांधो। कहाँ जा रहे हैं बाबा? बस्ती में जा रहा हूँ, तेरे लिए अफ्तारी का इंतजाम करें। लेकिन आप भी तो रोजे से हैं, इस धूप में कहाँ जाएंगे? मेरी तकलीफ होगी बाबा। आज तेरा पहला रोजा है बेटी, अगर तू इस फकीर के झोंपड़े की बजाय महल में होती तो तेरी अफ्तारी के लिए दुनिया भर की नेमतें जमा की जाती, बड़ी धूम से तेरी रोजा कुशाई होती। मुझे दो चार खजूरों का इंतजाम तो कर लेने दे बेटी। फकीर की बेटी महलों में कैसे हो सकती है बाबा? खुदा की कुदरत से सब कुछ मुमकिन है बेटी, कभी महल की रौनक झोंपड़ी को मिल जाती है और कभी झोंपड़ी के टिमटिमाते हुए चिराग से महल जगमगा उठता है। खैर तू इन बातों को जाने दे, तू जा, मैं सूरज गुरूब होने से पहले लौटा हूं, जा बेटी। कनीज की बच्ची सभ्या। अरे देखो तो जरा हमारी हालत, हमारे गले से आवाज तक की नहीं निकलती। अरे ये तो बताओ रोजा खोलने का वक्त हुआ या नहीं? अभी कहा हुजूर, अभी तो आधा दिन बाकी है। आधा दिन बाकी है? हाँ, जब सूरज डूबेगा तब रोजा खुलेगा। तब रोजा खुलेगा? अरे तब तक जिंदा कौन रहेगा? जरा देखो तो हमारी नफ्स आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है। हाँ हुजूर, आपको तो बुखार भी है। बुखार भी है? अरे बेड़ा गर्क उस काजी के बच्चे का, कहता था रोजा रख लो, हम मर रहे हैं सभिया, हम मर रहे, हम मर रहे। क्या हुआ शहजादे? वही हुआ प्यादे जो तुम अभी कह रहे थे। अगर आप हुक्म दो खाने पीने का इंतजाम तो यहीं से करके ले जा सकता हूँ। लेकिन प्यादे हमने तो तुम्हें ऊपर कहा था, ये नीचे कैसे हो गए? ऊपर नीचे का खाना सब आप ही का है, कहीं भी खाइए जाके। अच्छा तो फिर जाने से पहले खुदा हाफिज, रसूल हाफिज। आओ गले मिल ले, ऊपर जाने से पहले। प्यादे ये क्या कर रहे हो? अरे तुम मुंह को क्या देख रही है? हकीम साहब को बुला के लिए क्या? ठहरो, हकीम साहब को बुलाना, काजी साहब को नहीं। हम दोनों खुदा की राह में शहीद हो रहे हैं। और तू ये मंजर नहीं देख सकेगी, नहीं देख सकेगी। जाओ जाओ, लाओ खाओ। बहनों अभी मैं आपको रोजे की बरकतें पढ़कर सुना रही थी। रोजे के सिलसिले में आप लोग एक बात और याद रखें, जब हम रोजा रखते हैं तो हर मौसम में सुबह से लेकर सूरज के गुरूब होने तक भूख और प्यास बर्दाश्त करते हैं। आप लोग जानती हैं कि रोजे की हालत में हमें ऐसे बहुत से मौके मिलते हैं जब हम दूसरों की नजरों से बचकर कुछ खा पी सकते हैं,
लेकिन ऐसी हालत में भी जबकि हमें कोई नहीं देख सकता, हम गुनाहों से क्यों बचते हैं? सिर्फ इसलिए कि यह हमारा ईमान है कि कोई हमें देखे या ना देखे, खुदा देख रहा है और वो नहीं चाहता कि उसके बंदे छुपकर भी कोई गुनाह करें। तो बहनों, ये रोज़ा हमें ऐसा ही जिम्मेदार, खुदा तरस और सच्चा इंसान बनने की तरबियत देता है। हकीम साहब, जल्दी से कोई ऐसा नुस्खा दीजिए जिससे मेरे पेट का दर्द तुरंत हो जाए। क्या आपने खाना ज्यादा खा लिया? अब बिल्कुल गलत, कहाँ खाया खाना मेरे? सुबह तो वजू होने के बाद आज ये दो गुल्लियाँ खा लीजिएगा। इसके बाद मैं आपको एक आदत भेजूंगा, चार दिन तक आप सिर्फ अदक पियेंगे और कुछ नहीं खाएंगे। बिल्कुल, सजाए मौत है शहजादे। मैं मजबूर हूँ शहजादे। बेटी, मेरी नजर का क्या भरोसा? तू देख, आसमान पे सुर्खी नजर आ रही है। नहीं बाबा, सूरज गुरूप हो गया। तो अफ्तार का वक्त हो गया, जा रोजा खोल ले। ताकत है गर देने की, दे दे कुछ चाहे अगर तो मांग ले मुझसे, चाहे अगर तो मांग ले मुझसे, हिम्मत है गर लेने की, ले ले अपने रोजे नमाज का सदका, इस हाजतमंद का भी रोजा खुलवा दो बेटी। अल्लाह तेरा भला करे। अब तू कहां से रोजा खोलेगी बेटी? उसकी सबसे बड़ी नेमत नमक और पानी से। वजीर सल्तनत, बड़ी राह दिखाई तुमने। गुलाम शहजादी साहिबा की खिदमत में था मलका आलिया, इसलिए आने में देर हो गई। कैसी है हमारी शहजादी, हमारी बेटी? अब तो माशाल्लाह बहुत बड़ी हो गई होगी। वो खुश तो है ना? उसे किसी किस्म की तकलीफ तो नहीं? तकलीफ कैसे हो सकती है मलका आलिया, वो तो ऐसी जगह है जहाँ उसे आराम ही आराम है। खुदा तुम्हें जजाए खैर दे। एक एहसान और करोगी वजीर? मलका आलिया, आपके एक अदना से इशारे पे गुलाम अपनी जान तक कुर्बान कर सकता है। हमें एक बार शहजादी का दीदार करा दो। ये कैसे हो सकता है मलका आलिया? अगर खाकान आजम को मालूम हो गया तो? हम खाकान आजम से उसकी जिंदगी की भीख मांग लेंगे या फिर शहजादी को लेकर हम इस जहन्नम से निकल जाएंगे। मलका आलिया, मैंने शहजादी को चांद और सूरज की नजरों से बचाकर पाला है, अपने ईमान की तरह उसकी हिफाजत की है, मैं अपने ही हाथों से मौत के मुंह में कैसे धकेल दूं? तुम माँ के दिल के दर्द को नहीं समझ सकते वजीर। हमने अपनी बेटी को नजरों से दूर करके हमारी दुनिया अंधेरी कर ली। खुदा के लिए रहम करो, सिर्फ एक बार से सीने से लगाकर हमारा कलेजा ठंडा करने दो। मुझे ज्यादा मजबूर ना कीजिए मलका आलिया। तुम्हारे बार बार इनकार करने से डर लगता है। वजीर, तुम हमारी बेटी से हमें मिलने क्यों नहीं देते? तुमने उसे कहाँ छुपा रखा है? वो किस हाल में है? तुम क्या चाहते हो? अगर आज भी तुमने हमारी बात न मानी तो हम जहाँ बने। मलका आलिया, ये ना भूलिए कि शहजादी की जिंदगी मेरी मुट्ठी में है। बच्चों के बदलने का राज जबान पे आ गया, आप अपनी बेटी से हमेशा के लिए महरूम हो जाएंगे।
दे दे खुदा के नाम पे प्यार, ताकत है गर देने की, दे दे कुछ चाहे अगर तो मांग ले मुझसे, चाहे अगर तो मांग ले मुझसे, हिम्मत है गर लेने की, ले ले जो दे उसका भी भला और जो न दे उसका भी भला। लो बाबा। अल्लाह तेरा भला करे बेटा। तूने आज भी अपनी अफ्तारी उसे दे दी बेटा? कुदरत ताने ताने पर सबका नाम लिख देती है, वो उसी के लिए थी। तो क्या कुदरत ने तेरा नाम सिर्फ नमक और पानी पे लिखा है? अगर वो चाहेगा तो इसी नमक और पानी को मेरे लिए सबसे बड़ी नेमत बना देगा बाबा। तेरी कुदरत के सदके बिस्मिल्लाह। Yeah.
नंगे भूखे अपना दुख दर्द सुनाने आए हैं। इस वक्त हम बहुत खुश हैं। ये खुशी नंगे भूखों पर कुर्बान नहीं की जा सकती। इन जानवरों को महल से दूर भगाओ। जाओ, ये हमारा हुक्म है। सिपाहियों से कह दो कि उनको दफन कर दे, उनका सर कुचल दे और एक एक को ऐसी सजा दे कि फिर पैसा उठाने की हिम्मत न करे। चलती हुई आग पर तेल मत छिड़के, कहीं ऐसा ना हो कि झोपड़ों के साथ ये महल भी जलकर राख हो जाए। काजी साहब, ये ना भूलिए कि आप मलिका सूफिया से बात कर रहे हैं। और आप भी ये ना भूलिए मलिका आलिया कि जब लूट खसोट और जुल्म के नीचे दबी हुई मजलूम रियाया सर उठाती है तो जलजला आ जाता है, जमीन फट जाती है, ऊंचे ऊंचे महल गिर जाते हैं और मोतियों से जगमगाता हुआ ताज ठोकरों में पनाह ढूंढता है। काजी साहब, जिद से काम न लीजिए मलिका आलिया, ये तूफान ताकत से नहीं सिर्फ हमदर्दी और इंसाफ से रोका जा सकता है। चलिए मलिका आलिया, ये आवाज जब बुलंद हो गई तो आसमान को भी हिला देगी। मलिका को बुलाओ, मलिका सूफिया को बुलाओ, हट जाओ, हट जाओ। ये गरीब रियाया की तरफ से नजराना है। अब मौत और भूख के अलावा हमारे पास कुछ नहीं रहा। ये लोग क्या बक रहे हैं? मलिका आलिया, इनकी फरियाद पर गौर कीजिए, इनके दुख दर्द को समझने की कोशिश कीजिए। हमारे खेत उजड़ गए, बाग वीरान हो गए, कुएं सूख गए, चश्मों का पानी जहर हो गया, हम दाने दाने को मोहताज हो गए। मलिका साहिबा, ये खुदा का कहर है, हम क्या कर सकते हैं? ये हमसे पूछा जा रहा है मलिका साहिबा? हमने अपनी सूखी हड्डियां जोड़ जोड़ के आपके महल की दीवारें बनाई, अपने झोपड़ों के चिराग बुझा बुझा के आपकी रातों को दिन बनाया, अपने फड़कते दिलों का खून निचोड़ निचोड़ के आपके पैमाने भरे, अपने मासूम बच्चों के हाथ से निवाला छीन छीन के आपका दस्तरखान सजाया। अपनी मलिका के लिए कुर्बानी देना वफादार रियाया का फर्ज है। और वफादार रियाया की मुसीबत पे शादियाने बजाना, ये रहम दिल मलिका का फर्ज है। हमारे घरों में मातम हो रहा है और यहाँ नाच, हमारे यहाँ कयामत आई है और आपके यहाँ ईद, हमारी आंखों में आंसू भरे हैं और आपके प्यालों में शरबत। गिरफ्तार करो इस गुस्ताख को। देखते क्या हो, आगे बढ़ो, लूट लो शाही खजाना, चला दो इस महल को। ठहरो, खुदा के लिए ठहरो, शाही खजाना लूटने से हमारी मुसीबत दूर नहीं हो सकती, ये खुदा का कहर है। जब तक यहाँ किसी नेक बंदे के कदम नहीं आएंगे हमें इस आजाब से निजात नहीं मिल सकती। हम सब गुनहगार, हम सब अपने खुदा को भूल चुके हैं। मलिका याश है और रियाया गुमराह, रहनुमा झूठे हैं और राही अंधे। खुदा के नेक बंदों को ढूंढने कहां जाओगे, दुनिया उनसे खाली हो चुकी है। नहीं, दुनिया नेक बंदों से खाली नहीं हुई। इस मुल्क की सरहद पे एक बीबी रहती है, उसका नाम है आलम आरा। उसने दो दिन अपनी इफ्तारी उठाकर मुझे दे दी और खुद रोजे पे रोजा रखा। उसके कदम यहाँ आ जाए तो रहमत आ जाएगी, बरकत आ जाएगी और हमको इस अजाब से नजात मिल जाएगी। लेकिन वो इस गुनाह की बस्ती में आएगी कैसे? हम चलकर उसकी मिन्नत करेंगे, खुदा और रसूल का वास्ता देंगे, हम उसे मना के यहाँ ले आएंगे। चलो मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हम अंदर आ सकते हैं बेटी? आइए आइए, मेहमानों के साथ खुदा की रहमत आती है। कहिए कैसे आना हुआ? हम वो गुनहगार हैं जिनसे खुदा की रहमत ने मुंह मोड़ लिया है। हमारे बच्चे, औरतें, मर्द, यहाँ तक के जानवर भी इस आजाद में गिरफ्तार हैं। क्या आप कुछ हमारी मदद कर सकती हैं? अगर मेरी जिंदगी भी आप लोगों के काम आ सके तो मैं खुदा के नाम पर वो भी निसार कर दूंगी। अगर आप हमारे साथ चल सके तो हमें उम्मीद है कि आपके कदमों की बरकत से खुदा हमें इस अजाब से निजात दे देगा। ऐसा न कहिए, मैं खुद अपनी निजात के लिए सिर्फ उसकी रहमत पर भरोसा रखती हूँ, अपने आमाल पर नहीं। कम से कम उन गरीबों की तसल्ली के लिए आप तशरीफ ले चलें जो आपके साथ खुदा की रहमत के आने की आस लगाए बैठे हैं। ना आप लोगों से इनकार करना मुमकिन है, ना बाबा को इस हालत में छोड़ना। अब आप ही बताएं मैं क्या करूं। बेटी, यहां एक
उधर हजारों जानों का सवाल है, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दे और तू इनके साथ चली जा। शायद खुदा तेरे ही हाथों से इनकी मुसीबत दूर करना चाहता हूँ। जा बेटी जा, खुदा हाफिज। अच्छा बाबा, खुदा हाफिज। तुम बिस्मिल्ला करो, मुझसे पहले इन लोगों का हक है, इन्हें पानी पिला दे बेटी। लो बाबा। उठमत पानी, तो एक बात पूछूं? पूछो। ये जो मलका सूफिया है, क्या कब्रिस्तान की मलिका है क्या? शरबत कहाँ है? काका कहाँ है? तुम सब बोलती क्यों नहीं? खामोश क्यों हो? मलिका सोफिया इस काबिल तो नहीं है, लेकिन शायद तुम्हारे कदम की बरकत से उनको भी ईमान का रास्ता नजर आ जाए तो इस महल पर छाई हुई नहुसत दूर हो जाए। ऐ हुजूर, जान की अमान पाऊं तो कहूं, एक एक करके इस सल्तनत से सारी नेमतें गायब हो चुकी हैं। क्यों गायब हो गई? कहाँ गायब हो गई? ये खुदा का कहर है। ये बर्तन तोड़ने का वक्त नहीं, खुदा के सामने तौबा करने और रोनी गिड़गिड़ाने का वक्त है। कौन हो तुम? आलमारा यही है, इनके आने से रास्ते में फूल खिल गए और जमीन पर हरियाली दौड़ गई और वीरान बागों में बहार आ गई। बहुत पहुंची हुई मालूम होती है। मैं खुदा पर भरोसा रखती हूँ और कोई बात नहीं। खुदा जो रोजा न रखने पर गरीबों की खेती उजाड़ देता है, जो नमाज न पढ़ने पर कहर नाजिल कर देता है, वो जो कुछ करता है अपने बंदों की भलाई के लिए करता है। शायद ये अजाब आपके लिए ईमान के रास्ते पर चलने का बहाना बन जाए। आप सच्चे दिल से उसके आगे दामन फैला कर तो देखिए। उसके आगे दामन फैलाने से क्या फायदा, जिसका खजाना रहम से खाली हो चुका है। हमें बातों से बहलाने की कोशिश ना करो आलमारा। आप यकीन की दौलत से महरूम है, ऐसे लोगों की दुआ भी कबूल नहीं होती। तुम्हें यकीन है ना? पुकारो अपने खुदा को, जगाओ उसकी रहमत को, हम भी तमाशा देखेंगे। तौबा कीजिए मलका, तौबा कीजिए। काजी साहब आलमारा को मलका के पास क्यों ले गए? जो शैतान के हाथ में हार के चलते हो वो आलमारा के पास क्या सुनेगी? आप लोग घबराइए नहीं, ये इम्तिहान का वक्त है। उसकी रहमत आपके सब्र और यकीन को आजमा रही है। सच्चे दिल से उसका नाम लीजिए, उसके आगे सर झुकाइए, वो इस मुसीबत को राहत बना देगा। पैदा करने वाले, हम गुनाहगार से ही फिर भी तेरे बंदे हैं, हम तुझे बुला सकते हैं, तेरी रहमत हमें कैसे भूल सकती है। इस जमीन को देख जिसके सीने से धुआं उठ रहा है, इन इंसानों पर रहम कर जो जानवरों की मौत मर रहे हैं। आज माह रमजान का आखिरी दिन है, आखिरी रोजा है, इबादत का ये मुबारक महीना क्या इस बस्ती पर अपनी बरकत नाजिल किए बगैर ही गुजर जाएगा? कि यहाँ के मासूम बच्चों, मजलूम औरतों और मर्दों को ईद की खुशी नसीब ना होगी?
ये दुआ नहीं खुदकुशी की तैयारी है। हम इस धूप और गर्मी में जलकर खत्म हो जाएंगे। और उसकी रहमत का दरवाजा अब नहीं खुलेगा। आला मारा हमको बहला रही है। दुआ करने से कहीं आजाद चलता है। तो ईद मुबारक।
ईद मुबारक वजीर सल्तनत, ईद मुबारक। मलका आलिया को ईद मुबारक। ईद मुबारक। वली है दाराब कहाँ है? वली है दाराब ईद की नमाज पढ़ने गए हैं हुजूर, अभी तक लौटे नहीं। वली अहद को ईद मुबारक। ईद मुबारक। ईद मुबारक हुजूर। तुम्हें भी ईद मुबारक, लेकिन ऐसे नहीं, मेरे करीब आओ, मेरे गले लग जाओ। ईद का दिल है जालिम, आज तो गले मिलने रस्म दुनिया भी है, मौका भी है और दस्तूर भी। देखा, अल्लाह मियां ने हमारी इबादत का फल हमें यही दे दिया, अब हमें जन्नत जाने की कोई जरूरत नहीं है, हमें हूर मिल गई। मुझे हूर नहीं सरकार, हूरा मिल गया। सारा नशा पास कर दिया। क्या वली है दाराब ईद की कोई खास नमाज पढ़ रहे हैं? नमाज तो हो चुकी है आलम पना, मैं अभी बुला कर लाता। बुलाने की कोई जरूरत नहीं अब्बा हुजूर, माँ बदौलत खुद ही हाजिर हो जाते हैं। ये है तुम्हारी नमाज? अब्बा हुजूर, अभी तो हम वुजू कर रहे हैं। वली है दाराब, हम आज तक तुम्हारी बातों को नजरअंदाज करते रहे, मगर ये जुर्म माफ नहीं किया जा सकता। अब्बा हुजूर, अब्बा हुजूर। होश में आओ दाराब। उतर गई, एकदम उतर गई। हमारे अब्बा हुजूर से तो नशा भी डर के भागता है, लेकिन आप इतना बिगड़ते क्यों हैं? याद रखो दाराब, अगर तुमने शराब नहीं छोड़ी और अपनी हरकतों से तौबा नहीं की तो तुम ताज उतर से महरूम कर दिए जाओगे। अब्बा हुजूर, ये क्या जाती है हमारे साथ? तुम्हें नहीं मालूम इस चुल्लू भर पानी में कितने बादशाह और उनकी सल्तनतें डूब चुकी हैं। दरियाए नील में गोता लगाने वाला तह भी पा लेता है और किनारा भी, लेकिन जो बदनसीब इसमें डूबा उसे न तह मिली न किनारा। जहां पना, शहजादा अभी ना समझ है, इनकी गलतियों को नजरअंदाज कर दीजिए, इन्हें माफ कर दीजिए। ये हमारा आखिरी फैसला है वजीर सल्तनत, और शहजादा दाराब के लिए भी आखिरी मौका है। मलके आलम चले गए, अब्बा हुजूर चले गए। दाराब, अब तो होश में आओ। फिलहाल तो आप लोगों ने बक बक करके मेरे होश उड़ा दिए, एकदम कबूतर की तरह। थोड़ी सी पिला दो तो मैं होश में आऊं। ओहो, तुम नहीं समझोगे। ओहो, अरे भाई तुम नहीं समझोगे, थोड़ी सी पिलाते क्यों नहीं? खुदा आप पर हमेशा मेहरबान रहे, अब मुझे वापस जाने की इजाजत दीजिए। नहीं नहीं, आप अभी मत जाइए। बेटी, तुम चली जाओगी तो इस मुल्क से बरकत चली जाएगी, रहमत अपना दामन समेट लेगी। क्या जिस मुसीबत से तुमने हमें निकाला है उसे मैं फिर झोंकना चाहती हूँ? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं काजी साहब, मुझे सिर्फ बाबा का ख्याल परेशान किए रहता है, खुदा जाने वो किस हाल में होंगे। उन्होंने तुम्हें खुशी से इजाजत दी है, वो खुदा रसीदा बुजुर्ग हैं, उन पर रहमत के फरिश्ते अपने परों का साया किए रहेंगे। चिराग की जरूरत वहां होती है बेटी, जहां अंधेरा हो। मैं क्या, मेरी रोशनी क्या, इसे तो हवा का एक मामूली सा झोंका बुझा सकता है। अगर आप अंधेरे को दूर करना चाहते हैं तो ऐसा चिराग जलाइए जो आंधियों का मुंह फेर दे, रात के दामन में नूर भर दे और आपकी दुनिया रोशन कर दे। वो चिराग, हम समझे नहीं बेटी। इस मुल्क में बड़े बड़े मकान हैं, ऊंचे ऊंचे महल हैं, जानवरों के रहने के लिए आलीशान अस्तबल हैं, लेकिन ऐसी कोई जगह नहीं जहां खुदा के बंदे मिलकर बैठ सकें, खुदा को याद कर सकें, जहां से गरीबों के बच्चों को इल्म की रोशनी मिल सके। अगर आप लोग ऐसी इबादत का बनाने में मेरा हाथ बटाएं तो मैं लौट जाने का ख्याल छोड़ दूं। हमें मंजूर है, हम इबादत गाह बनाने में आपका साथ दें। साथ देंगे, हाँ साथ देंगे। आलम आरा, ये नाम सुन सुनकर तो मेरे कान पक गए हैं। ये मुई निगोड़ी जादूगरनी है, जादूगरनी। काजी, रियाया और सिपाही सब पर उसका जादू चल गया है, सब उसी की तारीफ करते हैं। मलिका सूफिया इस सल्तनत में अपने सिवा और किसी की तारीफ बर्दाश्त नहीं कर सकती। वक्त आने पर
मैं सबको इस बदतमीजी का मजा चखा दूंगी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आप लोगों ने इस इबादतगाह के बनाने में मेरी मदद करके जन्नत में अपने लिए महल बना लिया। ये सब आपकी कुर्बानी और अच्छी तालीम का नतीजा है। हुस्ना, काजी साहब को पेश करो। वो यहाँ कहाँ, वो तो इबादतगाह में बैठकर हर वक्त आलम आरा की सूरत देखते रहते हैं। कोतवाल को बुलाओ, वो भी सवाब कमाने के शौक में वही गए हुए हैं। चौकदार को बुलाओ, सरकार वो भी किसी पत्थर पर बैठकर अपना सिर फोड़ रहा होगा। काजी, कोतवाल, चौकदार सब के सब वही हैं। मैं पूछती हूँ, यहाँ हुकूमत किसकी है, मलिका सूफिया की या आलम आरा की? सरकार, लोग कहते हैं कि मुल्क पर मलिका सूफिया की हुकूमत है और दिलों पर आलम आरा की। अब हमारे ख्वाब की ताबीर मिलने ही वाली है। खुदा करे इनके ख्वाब की ताबीर भी इन्हें मिल जाए। आप हंस रहे हैं, क्या ख्वाब देखते हैं आप? पहले ये ख्वाब पूरा हो जाए फिर कहूंगा आपसे। आपने मुझे याद फरमाया है? जी हाँ, हम ये जानना चाहते हैं कि रियाया जो रकम शाही खजाने में जमा करती थी वो रकम इस मर्तबा जमा क्यों नहीं हुई? वो रकम इस मर्तबा रियाया ने इबादत का बनाने के काम में दे दी। किसके हुक्म से? खुदा के हुक्म से। आपने अपनी दौलत से आज तक ज़कात नहीं निकाली, जो फर्ज है। ये फर्ज रियाया ने आपकी तरफ से अदा करके आपका बोझ हल्का कर दिया है। तो रियाया ने ये नेक काम आपके मशवरे से किया है? मैं तो मजहब के उसूल सबको समझाता हूँ, आपको भी, आपकी रियाया को भी। लेकिन अमल वही करते हैं खुदा जिन्हें तौफीक देता है। हम देखते हैं कि मजहब ने धीरे धीरे शाही कानून को भी अपने हाथों में ले लिया है। ये खुदा का कानून है मलके आलिया, इसके सामने जमीन, आसमान, चांद, सूरज सभी सर झुकाते हैं। आप भी इसी कानून के मुताबिक सांस लेती है। इसका मुकाबला आप अपने बनाए हुए कानून से मत कीजिए। काजी साहब, आपकी बातों से कानून शिकनी और बगावत की बू आ रही है। आपने कोई नई बात नहीं कही मल्लिका साहिबा। दुनिया ने न जाने कितनी मर्तबा सच्चाई की आवाज को बगावत कहकर दबाने की कोशिश की, लेकिन ये कोशिश कभी कामयाब नहीं हुई है। काजी साहब, याया को बरगलाने के जुर्म में आपको गिरफ्तार किया जाता है। तुम मुझे कैद कर सकती हो लेकिन मेरे ख्यालात को बेड़ी नहीं पहना सकती। तुम सदाकत के जुर्म में मेरी जबान कटवा सकती हो लेकिन मेरे दिल से सच्चाई का नक्श नहीं मिटा सकती। नूरे हक शमे इलाही को बुझा सकता है कौन, जिसका हामी हो खुदा उसको मिटा सकता है कौन? ले जाने। आप लोगों ने दिन रात मेहनत करके इबादतगाह तो बना डाली, अब इसे आबाद करना भी आप ही लोगों का काम है। जिस शहर में इबादतगाहें वीरान पड़ी रहती हैं, वहाँ खुदा का कहर नाजिल होता है। आप फिक्र न करें, हम यहाँ खुदा की इबादत करेंगे और अपने बच्चों को तालीम भी देंगे। अल्लाह ताला आपको हिदायत दे। आमीन। हुजूर, वहाँ क्या आप जन्नत की हवा खाने जा रहे हैं? उस मीनार से पूरे शहर का मंजर नजर आता है। हाँ? चलो तुम भी चलो। ना बाबा, अगर मैं वहाँ से लौट गया तो मेरी होने वाली का क्या होगा? अच्छा ठीक है, मैं ही चला जाता। हाँ, लेकिन वापस जरूर आना। इनको तो इनके नए काम का फल यही मिल गया, अब खुदा जाने मेरे किस्मत में क्या लिखा होगा। उसकी रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए, उसे मायूसी पसंद नहीं। देखिए जी, ना तो मैं फकीर हूँ और ना फरिश्ता, ऐसी बातों से मेरा दिल नहीं बहलेगा। लेकिन आप मुझ पर क्यों बिगड़ रहे हैं? इसलिए कि ये सब आपकी वजह से हो रहा है। कहाँ जा रहे थे और कहाँ आ गए? आप बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करती हैं, पुकारिए ना खुदा की रहमत को और बचा लीजिए इनकी जिंदगी। अच्छा, तो ये आबे हयात बता रही हैं आप इन पर? खुदा चाहेगा तो यही आंसू आबे हयात बन जाएंगे। जिंदगी और मौत के मालिक, मैं गुनाहगार हूँ। अगर मेरी दुआ कबूल करने के काबिल नहीं तो कम से कम इबादत गाह की लाज रख ले।
और अपने इस नेक बंदे को उसकी जिंदगी वापस कर दे, इन आंसुओं को आबे हयात बना दे। तुमने मुझे दोबारा जिंदगी तो दे दी, अब ये सोचता हूँ इसे सुधारे और सवारेगा कौन। अल्लाह आपकी मदद करेगा। मगर किसके हाथ से? आलम आरा, तुमने मेरी आखिरत तो बना दी, अब मेरी दुनिया भी सजा दी। मैं आज तक मंजिल से बहुत दूर रास्ते की ठोकरें खा रहा था, तुमने मेरी मंजिल रोशन कर दी। आलम आरा, क्या ये मुमकिन नहीं कि हाथों में हाथ डालकर तुम मुझे मंजिल तक भी पहुँचा दो? जवाब तो आलम आरा। मेरा दिल ना तोड़ना आलम आरा, मैंने इतने दिनों तुम्हें ख्वाब की तरह देखा है और दर्द की तरह महसूस किया है और ईमान की तरह चाहा है। लेकिन बाबा से पूछे बगैर मैं क्या कह सकती हूँ? तुमको जो हक मजहब ने दिया है उसका फैसला दूसरों पर मत छोड़ो। अगर हम एक दूसरे को चाहते हैं, पसंद करते हैं, तो अपनी मर्जी से निकाह भी कर सकते हैं। तो ये ख्वाब देख रहे थे आप? हाँ, जिसकी खूबसूरत ताबीर तुम हो। वक्त आने पर हर अच्छे ख्वाब की ताबीर मिल जाती है। बहुत अच्छे, तो इश्क लड़ा रहे हैं आलम आरा। गुलाम ने अपनी आंखों से देखा और कानों से सुना। मौके की तलाश में रहो, ये वार खाली ना जाने पाए। वही होगा जो आप चाहते हैं। आप इसी वक्त उसके पास जाएंगे और अपने दोनों हाथ पकड़ेंगे आंखों में आंसू भर के, कहिए जाने जाना, अब मैं तुम्हारे मगर दो पल भी नहीं जी सकता। मैं सब समझ गया। इस वक्त माफ कीजिए, मैं गलत वक्त पर आया। तशरीफ रखिए। मुझे इस वक्त नहीं आना चाहिए, मगर क्या करूं, दिल नहीं मानता। आलम आरा, अब तुम्हारे बगैर एक एक पल गुजारना भी मुश्किल हो गया है। बेचैनी बढ़ती जा रही है, ज्यादा इंतजार दीवाना बना देगा। कम से कम इंतजार की ये रात तो आपने बसर कर ली होती। रात के वक्त अकेले घर में हमारा इस तरह मिलना ठीक नहीं। आप जाइए, इंशाल्लाह कल बातें होंगी। निकालो दोनों को बाहर, इन लोगों ने हमारी बस्ती को गंदा कर रखा है। ये वो आदमी है जो रात में छुप छुप कर यहाँ आता है, रात भर घर में घुसा रहता है। गजब खुदा का, हर वक्त जुबान पर खुदा और रसूल का नाम और ये चाल चलन, देखते क्या हो, टुकड़े टुकड़े कर दो इनके। खबरदार जिनको हाथ दिलाया तो। अरे वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। भाइयों, आप लोगों को गलत फहमी हो गई है। हमें भाई कहते हैं, तुम्हें शर्म नहीं आती? गिरफ्तार करो इन लोगों को। आओ खुदा के नेक बंदू, तुम्हें खुदा का खौफ नहीं था तो क्या हमारे कानून से भी नहीं डरे? खुदा गवाह है, हम बेकसूर हैं। तुम कसूरवार हो या बेकसूर, इसका फैसला कल दरबार में होगा। ले जाओ इस लड़की को और कैद कर दो तहखाने में। कौन हो तुम, कहाँ के रहने वाले हो? मैं इंसान हूँ, खुदा की बसाई हुई दुनिया में रहता हूँ। अच्छा, तो तुम भी खुदा वाले हो? इन दो खुदा वालों के बीच में शैतान कैसे पहुँच गया? ये इल्जाम है। दिल तो हमारा भी यही कहता है कि तुम भी कसूर हो। इस जादूगरनी आलम आरा ने तुम्हें जरूर बहकाया होगा। खबरदार, अपनी नापाक जुबान से उसका नाम ना लो। इन्हें भी ले जाओ और कैद कर दो तहखाने में। मलका सूफिया जिंदाबाद, मलका सूफिया जिंदाबाद, मलका सूफिया जिंदाबाद, मलका सूफिया जिंदाबाद, मलका सूफिया जिंदाबाद। मुजरिम को पेश किया जाए। आलम आरा, क्या ये सच है कि कल रात हमारे सिपाहियों और रियाया के कुछ लोगों ने तुम्हें एक अजनबी के साथ गिरफ्तार किया? हाँ, ये सच है। क्या ये सच है कि वो अजनबी अकेले घर में तुमसे मिलने आया था? ये भी सच है। क्या वो अजनबी तुम्हारा भाई या कोई दूसरा रिश्तेदार है? जी नहीं। क्या ये सच है कि तुम दोनों में मोहब्बत है? जी हाँ। तुम्हें अपनी सफाई में और कुछ कहना है? सिर्फ इतना कि हम पर जो इल्जाम लगाया गया है वो गलत है। कोई सबूत?
मैं अपनी बेगुनाही का क्या सबूत पेश करूं? दूसरे कैदी से भी पूछ लिया जाए, दूसरे मुजरिम को पेश किया जाए। हुजूर, दूसरा कैदी रात के अंधेरे में मुंह छुपाकर भाग गया। गुनाह का एक और सबूत। बेशक मुजरिम मैं होता तो भागता क्यों? बड़े अफसोस और शर्म की बात है कि हमने और हमारे रियाया ने, जिसको दीन, ईमान और पाकीज़गी की निशानी समझकर सर आंखों पर बिठाया था, आज उसी ने अय्याशी और आवारगी की मिसाल कायम कर दी। हम सल्तनत के कानून के मुताबिक मुजरिम को संसार किए जाने की सजा देते हैं। हुक्म की तामील हो। कसूर है आलम मारा, बेगुनाह है आलम मारा, को रिहा कर दो, मुझे माफ कर दो आलम मारा, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो आलम मारा, मुझे माफ कर दो। आलम मारा को बाइज्जत रिहा किया जाता है। अब ये नेक हस्ती शाही मेहमान बनकर महल को जीनत बख्शेगी। शुक्रिया। अब आप लोग मुझे यहाँ से रुखसत होने की इजाजत दीजिए। खुदा का शुक्र है मैं यहाँ से अपने दामन पर कोई दाग लेकर नहीं जा रही हूँ। खुदा हाफिज। अरे मेरी जन्नत की हुरो, तुम मुझे क्यों भगा रही हो? अरे मगर मेरा छोड़ो तो सही। अरे आओ अजनबी, हम बेचैनी से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। आप मुझ पर इतनी मेहरबान क्यों? तुम हमसे इतने खफा क्यों? आओ यहाँ बैठो, बैठो ना। आप मुझे वापस उस कैदखाने में भेज दीजिए, यहाँ मेरा दम घुट रहा है। घबरा नहीं, इसका भी इलाज है। दिल के हाथों बहुत मजबूर हो मलिका, जरा संभालो अपने आप को। तुम ठीक कह रहे हो, मैं मोहब्बत के नशे में चूर हूँ, मैं अपने आप को कैसे संभालूं?
होश में आओ मलिका और ये बताओ कि आलम मारा कहाँ है। उसे तो हमने रिहा कर दिया, वो इस शहर से चली गई। मोहब्बत के रास्ते में हम कोई रुकावट बर्दाश्त नहीं कर सकते। यहाँ बना लीजिए ये अर्थ नोश फरमाइए, इंशाअल्लाह ताला सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी। मलका, वली हकदार आप कहाँ हैं? वली हद जहाँ पर ना आपकी सेहत याबी की दुआएं मांगने के लिए मस्जिद में गए हैं। हम दोनों कबूतर होते अगर एक साथ हवा में उड़ते फिरते, हम दोनों कबूतर होते अगर एक साथ हवा में उड़ते फिरते हम। ओ जी कबूतर हाँ जी कबूतर, हाँ जी कबूतर, ओ जी कबूतर हाँ जी कबूतर, ओ जी कबूतर। हम दोनों कबूतर होते अगर एक साथ हवा में उड़ते फिरते हम, दोनों कबूतर होते अगर। तू उड़ के न बैठा करती अगर, तू उड़ के न बैठा करती अगर, क्यों फंसती जाल में दुश्मन के, क्यों फंसती जाल में दुश्मन के, क्यों तेरे पर को कतरते कतरते हम दोनों कबूतर होते अगर एक साथ हवा में उड़ते फिरते हम दोनों कबूतर होते अगर। छज्जे पर एक रोज तू आकर बैठ जरा, एक रोज तू आकर बैठ जरा, मत दूर से मुझको चोंच दिखा, मत दूर से मुझको चोंच दिखा, कहता हूँ ये तुझसे डरते डरते हम दोनों कबूतर होते अगर एक साथ हवा में उड़ते फिरते हम दोनों कबूतर होते अगर एक साथ हवा में उड़ते फिरते हम। ओ जी कबूतर हाँ जी हाँ जी कबूतर। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, आज हम अपने हाथ से अपना ताज और तख्त उसके वारिस को सौंप देना चाहते हैं। दाराब को बुलाया जाए। जहां पनाह का हुक्म सर आंखों पर। बचाइए बचाइए हुजूर, हुजूर मुझे बचा लीजिए। क्या बात, आज तू मेरे हाथ से बचकर नहीं जा सकती मेरी जान। दाराब कुछ ऐसा वैसा शिकारी नहीं है। दाराब, आपने हमसे कुछ फरमाया अब्बा हुजूर? तुम हमारी आखिरी नसीहत के बाद भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आए, तुमने फिर शराब पी रखी है। अब्बा हुजूर की तबीयत नासाज है, हमें इनकी खिदमत करनी है। अब्बा हुजूर आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी, लीजिए इसे थोड़ी सी पी लीजिए। हट जाओ, बस अब तुमसे किसी अच्छे काम की उम्मीद रखना। सल्तनत और रिया है दोनों के लिए तबाही मोल लेना। जहां बना खामोश, तुमने हमेशा दाराब के गुनाहों पर पर्दा डाला, लेकिन हमको रियाया सल्तनत और उसका कानून औलाद से ज्यादा प्यारा है। हम बलिया दाराब को ताज तख्त से महरूम कर देने का ऐलान करते हैं। दाराब जी, सब काम मुकम्मल हो चुके हैं। अच्छा, आज रात को खाकान आजम का काम तमाम कर दिया जाए और कल तुम्हारी ताजपोशी और फिर हमारी मलका सूफिया से शादी, वो भी हो जाएगी। ये दोनों काम हो जाने चाहिए। अंजल सरकार, आज तुम्हारी वफादारी का इम्तिहान है। आप इत्मीनान रखिए हुजूर, ये खंजर पहले भी बहुत सों को सुला चुका है और इंशाल्लाह आज खाकान आजम को भी हमेशा हमेशा के लिए सुला देगा।
कहते भूल, राज की बात है। क्या हुआ मेरे सरदार को? सबसे काम लीजिए मलका। अशहद अल्लाह इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहद अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अशहद अल्लाह इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु واشهد ان محمدا عبده ورسوله اشهد ان لا اله الا الله कबीले की बदनसीब औरत हूँ। लड़की को ये लानत समझते हैं। मैं छुपा के अपनी बेटी को मैंने पाला और जालिमों को पता चल गया मेरी बेटी को आग में झोंकने के लिए देखो। तुम घबराओ नहीं, खुदा उसकी हिफाजत करेगा। तुम मुझे वहां ले चलो। हाँ चलो बेटी। ठहरो, ये क्या करे? तुम्हें खुदा का खौफ नहीं? तुम कौन हो लड़की और यहाँ क्यों आई हो? तुम्हें एक बहुत बड़े गुनाह से रोकने के लिए। अगर तुमने इस मासूम लड़की को जिंदा जलाया तो जहन्नम की आग तेज हो जाएगी, खुदा का कहर नाजिल होगा और तुम सब तबाह हो जाओगे। आ, हम न तुझसे डरते हैं न तेरे खुदा से। लड़की कबीले के नाम पर एक धब्बा है और इसको मिटाना जरूरी। सरदार, वो भी तो किसी की लड़की थी जिसकी कोख से तुमने जन्म लिया। वो भी तो किसी की लड़कियां हैं जिन्हें तुम्हारे कबीले वाले ब्याह करलाते हैं और अपनी छोटी सी दुनिया बचाते हैं। अगर आज वो भी उन्हें मार डालते तो न तुम होते न तुम्हारा ये कबीला। क्या दूसरे कबीले वालों की तरह हम भी बेशर्मी मोल लें और दूसरों के सामने सर झुकाकर उन्हें ये कहें कि हमारी बेटियां ब्याह कर ले जाओ? ये हरगिज नहीं होगा। ना इस कबीले में लड़कियां जिंदा रहेंगी, ना हमें जिल्लत और रसवाई का सामना होगा। तुम खुदा की बख्शी हुई जान को अपनी मर्जी से नहीं खत्म कर सकते। मैं तुम्हें ये गुनाह हरगिज नहीं करने दूंगी। तुम में इतनी ताकत नहीं कि हमें रोक सको। जो हम सबसे बड़ी ताकत वाला है वो ऐसा हरगिज नहीं होने देगा। वो कौन है? खुदा, जो हम सबको पैदा करता है, हमारी हिफाजत करता है। इस आग से न तुम इसे बचा सकती हो न तुम्हारा खुदा। थोक दो उसे तनूर में। नहीं, खुदा के लिए ऐसा मत करो। हट जा लड़की, आप भड़क चुकी है। मैं नहीं हटूंगी, और अगर चला नहीं है तो मुझे भी इसके साथ चला दो। क्या देखते हो, दोनों को आग में जला दो। पैदा करने वाले लड़की अगर वाकई लानत है तो हम दोनों को जला कर राख कर दे, नहीं तो इन अंधों की आंखें खोल दे। Thank you.
माफ कर दो। हम वादा करते हैं इस कबीले में जो लड़कों को इज्जत दी जाती थी वही लड़कियों को दी जाएगी। माफ कर दो। खुदा तुम्हें माफ करे। मैं इस लड़की को तुम्हारे कबीले में छोड़कर जा रही हूँ, इसे खुदा की अमानत समझना। आपने हमें बहुत बड़े गुनाह से बचा लिया। कुछ दिन यहाँ रहकर हमें जानवर से इंसान बना दीजिए, हम आपके एहसान को जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। कौन हो भाई, क्या हुआ तुमको? मैं खाकान हूँ, जालिमों ने मेरे साथ बगावत की। खाकान आजम, उसका भेद वही जाने। देखो तो कहाँ चोट लगी है। रहने दो मुकद्दस बुजुर्ग, ऐसी दुनिया में जिंदा रहकर क्या फायदा, जहां बेटा बाप को और वलीहद बादशाह को कत्ल करने की कोशिश करे। अगर जरा देर होश में ना आता तो जालिम मुझे जिंदा ही दफन कर देते। जहां पना, कभी कभी बगैर ठोकर खाए आंखें नहीं खुलती। आप जिसे अपना बेटा समझ रहे हैं वो आपका बेटा नहीं है। क्या कहा? मेरा बेटा नहीं है? हाँ, वो आपका बेटा नहीं है। खुदा ने आपको बेटी और बेटी को जिंदगी दी थी, इसीलिए वो महल की धूप छांव और आपके जुल्म और सितम से दूर इस झोंपड़े में रहकर जवान हुई। ये कैसे मुमकिन है? सब कुछ मुमकिन है। आप इस तावीज को पहचानते हैं? तावीज? हाँ हाँ, पहचानता हूँ। ये उस मासूम बच्ची के गले में था। हमारी बेटी कहाँ है? कहाँ है हमारी बेटी? आप? ये क्या? आपने तो कहा था खुदा की इबादत करो, उसके सामने सर झुकाओ। तौबा तौबा, मैं खुदा नहीं हूँ, मैं तो वैसे ही एक अदना इंसान हूँ जैसे कि तुम हो। कहाँ आप और कहाँ हम। जब से आप यहाँ आई हैं हमें रोज शिकार मिलता है, हमारा कोई आदमी जख्मी नहीं हुआ। हमारे लिए तो आप ही खुदा हैं। खुदा तुम्हें माफ करे, दरअसल तुम लोग ये बात अच्छी तरह समझ नहीं सके। हमको, तुमको और तमाम आलम को उस खुदा ने पैदा किया जिससे बड़ी शान वाला और कोई नहीं। हमें उसके अलावा किसी के आगे सजदा नहीं करना चाहिए। मुझे उम्मीद है आइंदा तुम लोग ऐसी गलती नहीं करोगे। हमें माफ कर दो। अल्लाह तुम्हें माफ करे। अहले दरबार, खाकान आजम के अचानक इंतकाल के बाद सल्तनत पे बहुत बुरा वक्त आ गया था, लेकिन खुदा का लाख लाख शुक्र है कि वली अहद दाराब अब ताज और तख्त की जिम्मेदारी संभालने के काबिल हो चुके हैं। इसलिए आज मैं ये खाकानी ताज इनके सर पे रखता हूं। ठहरो, ये हमारा बेटा नहीं है, ये तख्त का वारिस नहीं हो सकता। वीर आजम से कहो कि वो हमारी बेटी को बुला लाए। आप लोग परेशान ना हो, खाकान आजम की मौत से मलिका को दिमागी सदमा पहुंचा है, इसलिए ये अपने होश हवास खो बैठी। ये सब झूठ है, ये हमारा बेटा नहीं है, ये वजीर का बेटा है। भाइयों, जाओ इन्हें ले जाओ। खराबे आजम जिंदाबाद, 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 खराबे आजम जिंदाबाद। अब आपको इस काबिल बना दिया है कि जाकर वजीर और दराब से अपना तख्त वापस ले। हम आलम आरा के बगैर महल में कदम नहीं रख सकते। खुदा जाने हमारी बेटी किस हाल में। आप उसके लिए परेशान ना हो, वो जहां भी होगी खुदा की रहमत उसके साथ होगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आओ बेटी, आओ आओ, इनसे मिलो, ये तुम्हारे वालिद हैं। आलमारा, हमारी बेटी, बेटी हाँ।
तुम्हारी आंखों की रोशनी, तुम्हारी आंखों का नूर। इन्हें क्या हो गया बाबा? बेटी, ये एक दिन तेरी सूरत नहीं देखना चाहते थे, ये शायद खुदा ने आज इनकी आंखों का नूर छीन लिया। बेटी, बेटी, बेटी। मलकिया सोफिया, हमारी तरफ से कीमती तोहफे कबूल कर पाएंगी। इन कीमती तोहफों का बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन शादी के सिलसिले में हमारी कुछ शर्तें हैं। हमें आपकी सारी शर्तें मंजूर हैं। ठीक है, पहले सुन लीजिए फिर हाँ कीजिए। जी सरकार, जी सरकार, दो और दो आंखें हुई चार। हाँ, दो और दो आंखें हुई चार। हो गया मुझको तुमसे प्यार, वक्त गवाते हो बेकार। सुन लो प्यार की शर्तें सार, सब पूरी होंगी। लाओ हाथ, लाओ अपना हाथ, चलो मेरे साथ। तुम लाओ अपना हाथ, चलो मेरे साथ। जी सरकार, पहली मेरी शर्त सुनो जी। हाँ हाँ, कहो ना क्या शर्त है। हाँ, पहली मेरी शर्त सुनो जी, पीठ पे अपने बिठाना होगा। मंजूर मंजूर मंजूर, जाने हुजूर मुझे मंजूर। मलिका सोफिया के निकाह की मुबारक रस्म अदा कीजिए। काजी साहब, रुक जाओ। खाकाने आजम, गिरफ्तार कर लो इस बूढ़े को। रुक क्यों गए? आगे बढ़ो और अपने बूढ़े बादशाह को गिरफ्तार कर लो। इनके हाथों में हथकड़ियां डालो।
आके इंसाफ और सच्चाई का गला घोंट दो। आंखों पर हुकूमत के खौफ और लोगों की लालच ने पर्दा डाल दिया है। ये तख्त जिस पर बैठकर खाकान आजम ने इंसाफ का बोलबाला किया था, इस तख्त पर कब से एक शैतान का कब्जा है और तुम उसे पहचानते नहीं। नालायक वजीर का नालायक बेटा तुम पर हुकूमत कर रहा है और तुम उसके इशारों पर नाच रहे हो। कहां गई तुम्हारी गैरत, बहादुरी और वफादारी? आगे बढ़ो और शाही तख्त से बदनामी के धब्बे को दूर कर दो। आइए खाकाने आजम। मारने की कोशिश मत करो। अब्बा हुजूर, हमें नहीं मालूम था कि आप इतने जहरीले हैं। और तुम इस नालायक ना खलफ तेरे लिए सब मुसीबतें उठाएंगे तो अब जेल की हवा खाओ। तुझे भी मेरे साथ खानी पड़ेगी। ना खाऊंगा, रहने चलो चलो, शाही घाट से ले चलो चलो। खाकाने आजम, शाही तख्त को अपने बादशाह का इंतजार है। नहीं मुकद्दस बुजुर्ग, अब इस तख्त पर हमारी बेटी आलम आरा बैठेगी। आलम आरा जिंदाबाद, आलम आरा जिंदाबाद, आलम आरा जिंदाबाद। लोग दुनिया की मोहब्बत में गिरफ्तार होकर ये बिल्कुल भूल जाते हैं कि उन्हें इस सराय में हमेशा नहीं रहना। इस चंद रोजा जिंदगी में उन्हें ऐसे काम करने हैं कि कल खुदा के सामने उन्हें शर्मिंदा ना होना पड़े। सल्तनत के पुराने वजीर और दाराब ने दुनिया की हवस में फंस कर बड़े से बड़ा जुर्म कर डाला, लेकिन खुदा की रहमत पर भरोसा करके हम उन्हें माफ करते हैं। मलिका सूफिया को हमारा मशवरा है कि वो दाराब को अपनी सल्तनत में ले जाएं और उनसे निकाह कर लें। वजीर को चाहिए कि वो गुनाहों से तौबा करें और ईमान के रास्ते पर चले। हम सल्तनत के मामलात कुछ दिन के लिए आप पर छोड़ते हैं वजीर सल्तनत। जो हुक्म। आलम मारा का कुछ पता लगा लुबना? हुजूर, इस नाचीज ने कोना कोना छान मारा मगर उनका कुछ पता नहीं चला। खुदा जाने वो किस हाल में, उसकी तलाश में हमें खुद जाना होगा। परवरदिगार, जिस बेटी के कदम की बरकत से खोया हुआ वकार मिला, जिसकी सूरत में दुनिया तेरी कुदरत का जलवा देखती है, उसके दीदार से ये बदनसीब बाप कब तक महरूम रहेगा? तू आंखों की रोशनी नहीं लौटा सकता तो अपनी दीवी जिंदगी ले ले। ऐसा मत कहिए अब्बा जान, खुदा आपका साया हमेशा हमारे सर पर कायम रखे। बेटी, हम गुनाहगार हैं, न हमारी दुआओं में कुछ असर है और न फरियाद में। तुम दामन फैलाकर इनके लिए अल्लाह ताला से दुआ करो, वो तुम्हारी पुकार जरूर सुन लेगा। दिन रात उसके सामने गिड़गिड़ाती हूँ अम्मी जान, न जाने क्या मसलहत है कि उसने मुरादों की झोली अब तक नहीं भरी। आकाने आजम के सर पर गुनाहों का इतना बड़ा बोझ है कि ये किसी की दुआओं से हल्का नहीं हो सकता। जब तक ये बुजुर्गों के दर पर हाजिरी नहीं देंगे और दियारे हबीब की खाक नहीं छानेंगे तो इनकी अंधेरी दुनिया रोशन नहीं हो सकती। मैं अब्बा जान को लेकर दर दर की खाक छानूंगी, सब्ज गुंबद के सामने खुदा से उसके महबूब का वास्ता देकर कहूंगी, ए अल्लाह मेरी मदद फरमाइए, सदका अपने हबीब का मेरे अब्बा जान को आंखों की रोशनी वापस कर दीजिए। आमीन। खुदा तुझे उस दरबार की ज्यारत नसीब कर। मदीने के राह में भी यही रेगिस्तान का सिलसिला मिलता है। जी हाँ अब्बा जान, हजरत ख्वाजा अजमेरी ने भी अपने आका रसूल मकबूल की नक्श कदम पर चलते हुए ऐसी खुश्क और उजाड़ जगह को अपनी तालीम का मरकज बनाया। दरअसल जहाँ अंधेरा हो वहीं चिराग की और जहाँ खुश्की हो वहीं ऐसे चश्मे रहमत की जरूरत होती है जिससे लोग अपने इल्म की प्यास बुझा सकें। सच कहती हो बेटी। ख्वाजा जी, मेरे ख्वाजा जी,
याद तुम मेरी मोइनू दिन आज मेरी सुनो परी याद तुम मेरी मोइनू दिन आज मेरी सुनो परी याद तुम मेरी लबों पे नाम तेरा और दिल में आरज़ू तेरी आजा जी लबों पे नाम तेरा और दिल में आरज़ू तेरी लबों पे नाम तेरा और दिल में आरज़ू तेरी और दिल में आरज़ू तेरी सुनो फरियाद तुम मेरी मोइनू दिन आज मेरी सुनो फरियाद तुम मेरी मोइनू दिन आज मेरे ख्वाजा मोइनू दिन आज मेरे ख्वाजा मोइनू दिन आज मेरी सुनो फरियाद तुम मेरी शम्मा कब मेरी मोइनू दिन आज मेरी जलेगी शम्मा कब मेरी मोइनू दिन आज मेरे ख्वाजा मोइनू दिन आज गरीबों को ही नहीं नामुराद अमीरों को भी खैर और बरकत के खजाने नसीब हुए हैं। आज इस दरबार की रौनक और जाहो जलाल देखकर दिल बाग बाग हो गया। बेशक खुदा ने आपको बहुत बड़ा रुतबा अदा किया है, हमारे लिए भी उस मालिक से दुआ कीजिए कि हमारे मुरादों की झोली भर दे। आमीन। दारा आदम जिंदाबाद, दारा आदम जिंदाबाद, बेगम सूफिया जिंदाबाद। हमें किसने पुकारा? बेगम जानी, तुम्हें हमने पुकारा। क्या फरियाद लाए हो? फरियाद? फरियाद हमारी है कि आपने अपना वादा पूरा नहीं किया। वादा तेरा वादा, वादा तेरा वादा, बंदा सीधा साधा, वादे पे तेरे एतबार किया। वादा? हाँ? हमने तो कोई वादा नहीं किया था फरियादी, वादा तो आपने किया था। याद है आपको हमारी सात शर्तें? मलका अली, बिल्कुल याद है। पहली शर्त, अब्बा हुजूर चांद के अंदर मट्टी लाने गए हैं,
आपका दूसरा खादिम घोड़ों को नहला रहा है और खासा और बस्तान कब्रस्तान बलूचिस्तान और पता नहीं कितने खानों की मट्टी छानकर अभी अभी हाजिर खिदमत हुआ है। मलके आली के लिए इत्र फिरदोश शरबत दिल बहार सुरमा नूर और मिट्टी का तेल लाया। मिट्टी का तेल उसका क्या होगा? उसका हम मलिका के सर में डाल के हम उसकी मालिश करेंगे। हाय अल्लाह। हाँ मत चिल्ला। शायद फरियादी आया है। फरियादी हम आ गए। बोलो तुम्हारी क्या फरियाद है? हजूर ये तेल फरोश तेल में मेल करता है। इसका जहरीला तेल खाने से मेरा बच्चा मर गया। हजूर मर गया? आप क्यों रोने लगे सरकार? हमें 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 किसी की तकलीफ देखी नहीं जाती। हमारा दिल बड़ा नरम है रुई की तरह। हिम्मत से काम लीजिए, ऐसे वाकयात तो रोज हुआ करते हैं। हुआ करते हैं तो होने दो, होने दो। ए तेरा तेल खाने से उस गरीब का बच्चा मर गया, इसलिए हम उसके बदले में तुम्हारे बेटे को फांसी देंगे। क्या देंगे? फांसी? माई बाप मेरे कोई औलाद नहीं। लेकिन ऐसा क्यों है? हमारी सल्तनत में सबके आठ आठ दस दस बच्चे हैं। हमारे वजीर हजाम के इनके अपने बारह बच्चे हैं। तेरे की उम्मीद है? जी हुजूर। आखिर तुम्हारी औलाद क्यों नहीं है? हुजूर मेरी तो अभी तक शादी नहीं हुई। शादी नहीं हुई? क्यों नहीं हुई शादी? तो जाओ सबसे पहले जाके शादी करो और उसके बाद बच्चे पैदा करो। उसके बाद माँ बदौलत इस मुकदमे का फैसला करेंगे, फैसला करेंगे। दरबार बरखरार, दरबार बरखरार। सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। बेटी प्यास बहुत लग रही, पानी पानी। मैं देखती हूँ। पानी आप यहाँ बैठ जाइए। बाबा आपने यहाँ से एक नौजवान लड़की और उसके बूढ़े बाप को गुजरते देखा है? या अल्लाह ये लोग कहाँ गुम हो गए? अच्छा बहनों खुदा हाफिज। खुदा खुदा तुम्हें मदीने की ज्यारत कराए बेटी, दो घूट पानी मुझे भी पिला दो। लुमा अल्लाह लीजिए पजाए। या अल्लाह तेरा शुक्र। अब चले बजन। बेटी अब मुझसे चला नहीं जाता, कोई सवारी का इंतजाम हो जाए तो बेहतर। मैं आपको सहारा देकर ले चलूंगी बजन। अगर ज़ियारत का शौक सच्चा है तो सरकार के दरबार तक पैदल पहुंचना कुछ मुश्किल नहीं। तुम ठीक कहती हो बेटी, अगर अल्लाह मदद करे तो सब कुछ मुमकिन हो सकता है। Oh,
खुदा के हबीब, तेरे दरबार पर शाहों के ताज, फकीरों की झोलियां, इस कनीज की जान सदके आज तक इस दरबार से कोई खाली हाथ नहीं लौटा। यहाँ बेकरारों को करार, बेसहारों को सहारा मिलता है। इस टूटे हुए दिल को भी सहारा दे दे जो तेरी पनाह में आया है। इन बेनूर आंखों को नूर अदा कर दे जो तेरे दरबार की ज़ियारत से महरूम है। आमीन। हमारी जान और माल सब कुछ तुझ पर कुर्बान है। तेरे दरबार की ज़ियारत से हमारा नसीब जाग उठा। सिर्फ हमारी आंखें नहीं, दिल भी रोशन हो गया। ऐ मालिक, अपने हबीब के सदके में मुझे मेरे बिछड़े हुए महबूब से मिला दो, उस महबूब से जिसने मेरी जिंदगी को ईमान के उजाले से रोशन कर दिया। ऐ मौला, तेरे करम और तेरी रहमत के लिए ये कुछ मुश्किल नहीं, मेरी मुश्किल भी आसान कर दो। आल हमारा आप यहाँ? बेटी, ये नौजवान कौन है? यही शहजादा मंसूर है जिनका जिक्र मैंने आपसे किया था। माशाल्लाह, हम बड़े खुशनसीब हैं, खुदा ने इस सफर में आपको भी हमारे साथ कर दिया। चलिए। जहालत इंसान के लिए कितनी बड़ी लानत है, पहले हमें इसका तजुर्बा नहीं था। खुदा ने हमें बेटी जैसी दौलत दी, हमने उसे ठुकरा दिया। उसने अपनी रहमत भेजी, हमने दरवाजे बंद कर लिए। आज उसी बेटी की बदौलत हमारी अंधी आंखों में दोबारा नूर और झुके हुए सर पर दोबारा ताज जगमगा रहा। हमारी कौम में बेटी को लानत समझने का गुनाह सबसे पहले इसी महल में किया गया था, इसलिए इसका खात्मा भी सबसे पहले यही होना चाहिए। हम इस भरे दरबार में खाकानी ताज अपनी बेटी आलमारा के सर पे रखते हैं। आमीन। आलमारा पर हमारा या मलका का इतना हक नहीं जितना कि हमारे मुकद्दस बुजुर्ग का है, जिन्होंने एक बेसारा बच्ची को अपनी मोहब्बत, तालीम और तरबियत से इस काबिल बना दिया कि हम उस पर नाज करते हैं। हम इस मौके पर अपने बुजुर्ग की इजाजत से बेटी आलमारा और शाह मंसूर का रिश्ता कबूल करते हैं। खुदा मुबारक। आमीन। देखा बेटी, औरत दुनिया में ये कर सकती है। सुभान अल्लाह, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं भी आलमारा के दिखाए हुए रास्ते पर ही चलूंगी और उसके जलाए हुए चिराग से अपनी दुनिया रोशन करूंगी। कल तलक थी इन आँखों में दुनिया सिया, दुनिया सिया, दुनिया सिया, दुनिया सिया, खो गई थी अंधेरों में खुशियों की राह, खुशियों की राह, खुशियों की राह, खुशियों की राह। दिल में उम्मीद बाकी थी कोई न चाह, दिल में उम्मीद बाकी थी कोई न चाह, मिल गई आज सुल्तान जी की पनाह में।
रहेगी अब मेरी, आराम से लो लगाई है मैंने ख्वाजा निजाम से। ख्वाजा निजाम, ख्वाजा निजाम, ख्वाजा निजाम, ख्वाजा निजाम, ख्वाजा निजाम, ख्वाजा निजाम, ख्वाजा निजाम से लो लगाई है मैंने ख्वाजा निजाम से। लो लगाई है मैंने ख्वाजा निजाम से। लो लगाई है मैंने ख्वाजा निजाम से।